तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज द एसेंट ऑफ सैट। ठीक है, एसेंट ऑफ सैट होता क्या है? आप लोग सब लोग जानते हैं कि रूट का काम क्या है, एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल्स। और जाइलम क्या करता है? रूट से पानी लेता है और अदर पार्ट तक पहुंचाता है। तो इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द जाइलम इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द जाइलम इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था जो एक बालसम प्लांट होता है एक्सपेरिमेंट पे कि एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है। एक्चुअली बालसम जो प्लांट होता है उसकी स्टेम लगभग ट्रांसपेरेंट होती है। उसमें इन्होंने क्या किया, वाटर जो लिया जार कराने के लिए उसको इओसिन से कलर्ड कर दिया। कलर कर देने से क्या हो गया, वाटर जहां जहां मूव करेगा जिस पाथवे से वो डिमार्क हो जाएगा कि कहां से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज द सबसे पहले इसको कैसे लिया उन्होंने, एक बीकर लिया, बीकर में यूसिन स्टेन एक रेड कलर का होता है उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और वाल्सम प्लांट की रूट के साथ देखिए प्लांट को क्या किया, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद देखा कि जो है जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने में दिखा कि जाइलम के थ्रू जाइलम वेसल्स क्या हो गई, पूरी की पूरी कलर दिखने लगी। इसको करता है कि वो एसेंट ऑफ सैप टेक प्लेस बाय द जाइलम वेसल्स। ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एसेंट ऑफ सैप, ये कैसे होता है? क्योंकि एक अपवर्ड मूवमेंट है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन है, इसके लिए क्या चाहिए भाई, एनर्जी चाहिए। आप घर में भी क्या करते हो, पानी नीचे से वाटर टेबल से पंप के द्वारा सक करते हो तो क्या होता है, एनर्जी लगती है कि नहीं? पंप के द्वारा करोगे या जो भी करोगे, अगर अगेंस्ट द ग्रेविटेशन वर्क करोगे तो क्या करेगा, पड़ेगा एनर्जी कंज्यूम होगी ही होगी। आप बहुत से प्लांट बहुत छोटे छोटे भी देखे, बहुत से प्लांट क्या क्या होते हैं, बहुत से हाइट के होते हैं, उनमें कैसे होता होगा ये प्रोसेस, इसके लिए उतनी एनर्जी कहां से मिलती होगी? तो सबसे पहले जो इसके मैकेनिज्म के बारे में जो थ्योरी आई वो दिया था डिक्सन एंड जोली साहब, उन्होंने कहा था एसेंट ऑफ सैप टेक प्लेस बाय द ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन थ्योरी। इन्होंने कहा कि ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन क्या है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है भाई, लीफ के एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट स्पेशली द लीफ से। तो लीफ से पानी क्या होगा, वाष्पित होगा तो क्या करेगा, आसपास के जाइलम पे प्रेशर डालेगा कि पानी को एब्जॉर्ब करे। यानी ट्रांसपिरेशन क्या करता है, एक खिंचाव जनरेट करता है, सक्शन जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी कंटिन्यूअसली रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होता रहता है और ट्रांसपिरेशन के द्वारा लीफ से एब्जॉर्ब इवेपोरेट होता रहता है। ये इस थ्योरी का मानना था, इसीलिए इस थ्योरी को ही क्या कहा गया, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन थ्योरी, विच इज गिवन बाय द डिक्सन एंड जोली इन 1894। इन्होंने कहा कि वाटर में कुछ कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है। कोहेसिव का मतलब वाटर कुछ के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, जुड़ा रहता है। कहीं देखते किसी सरफेस पर वाटर चिपकता है और किसी को रिपेल करता है, तो यही फोर्स होते हैं कोहेसिव एंड एडहेसिव। कोहेसिव माने रिपल्सिव फोर्स, एडहेसिव माने जिस सरफेस पे वाटर चिपक जाए। जैसे वाटर में अगर फैट मिलाओगे तो कभी अटैच नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, जबकि वहीं वाटर में जो पोलर सॉल्वेंट में मिलाओगे तो क्या हो जाए, मिक्स हो जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। और दूसरा था ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स थ्योरी, जो ऑलरेडी बताया है, इट इज जनरेटेड बाय द लीफ ऑफ बाय द ट्रांसपिरेशन। कोहेशन फिनोमेना इज द अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, दो
सेम तरह के मॉलिक्यूल में क्या होता है, कोहेशन होता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमेन अट्रैक्टेड बाय द कोहेसिव फोर्स, ठीक है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्स। देयरफॉर इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड इनर वॉल ऑफ द जाइलम, जो इनर वॉल जाइलम का है और वाटर, ये क्या है, दो डिफरेंट है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द एडहेसिव प्रॉपर्टी। यही कारण है कि एक वाटर की कॉलम बन जाती है जाइलम वेसल में, कंटीन्यूअस कॉलम बन जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है ऑटोमेटिकली पानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। कभी कल गांव वो में देखे होंगे, या कभी आप पानी किसी ड्रम से निकालना हो तो क्या करें, पाइप से सक करते हैं मुंह से और फिर छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चैनल बन जाता है, जिससे पानी बिना फोर्स के क्या होता है, बाहर आने लगता है। क्यों? क्योंकि एक कोहेशन फोर्स एक तो वाटर का है और साथ में एडहेशन फोर्स जो पाइप है और उसके वाटर के बीच में, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस चैनल बन जाने से पानी ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो इस थ्योरी का कुल मिला के यही कहना था, कैसे कैसे होता है, देखिए ड्यूरिंग डे टाइम मेसोफिल्स लूज वाटर ट्रांसपिरेशन के द्वारा, एक फोर्स जनरेट होता है और ऐसे क्या होता है, पानी कंटिन्यूअस एब्जॉर्ब होता रहता है, चलता है। तो एक तरह से भाई पानी अगर मान लो ट्रांसपिरेशन के द्वारा बाहर निकल जाएगा तो क्या करेगा, पानी की कमी होगी तो उसमें क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा, टर्गर प्रेशर जनरेट होगा और आसपास के सेल से क्या करेगा, वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, फिर आसपास वाला सेल अपने आसपास के सेल, अल्टीमेटली प्रेशर कहाँ पहुंच जाएगा, जाइलम वेसल पे पहुंच जाएगा और जाइलम वेसल से क्या होगा, पानी का कंटिन्यूअस चलता है, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया, देखिए एक सिंपल फोटोमीटर लिया और उसमें देखिए आप प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट ये भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, एसेंट ऑफ सेल होता है। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप के लिए क्या होता है, कई तरह की थ्योरी दी गई, सबसे पहले थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, फिजिकल फोर्स थ्योरी एंड रूट प्रेशर थ्योरी। अगर वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करो तो इसको सबसे पहले दिया था तो देखो ये थ्योरी का जो मत कहने का तात्पर्य था कि एसेंट ऑफ सैप इज टेक प्लेस बाय द वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स, वाइटल मींस लिविंग, तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं ट्रांसफर एसेंट ऑफ सैप के लिए, जो सेल्स जिम्मेदार होते हैं, चाहे वेसल्स हो चाहे जो भी हो, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो जो फोर्स जनरेट की जाती है दैट इज जनरेटेड बाय द लिविंग सेल। और इसके लिए गोल्ड विस्की रिले पंप थ्योरी दिया था, इन्होंने रिले पंप थ्योरी में दिखाया था कि जाइलम क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर रैदमिकली लिविंग सेल्स में चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से होता रहता है। फिर एक अपने ही देश के साइंटिस्ट थे प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस, ही इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया, जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने भी इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया था और इसी को इन्होंने एक नया
थ्योरी दिया था, दैट इज द पल्सेटरी मूवमेंट थ्योरी। इन्होंने कहा कि जैसे हमारी नसें धड़कती रहती है ना, पल्सेशन होता है, पल्स चलती है, उसी तरह इन्होंने प्लांट में भी कहा भैया पल्सेशन होता है, यानी ये लिविंग की वजह से ही क्या होता है, इसमें पानी का मूवमेंट होता है। इसके लिए इन्होंने एक ऑपरेटर्स भी बनाया था और उन्होंने शो करके दिखाया था। इसमें है नहीं क्या? ठीक है भाई, तो यही हम लोग पढ़ रहे थे वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। कुल मिलाकर वाइटल थ्योरी का यही मानना है कि जो एसेंट ऑफ सैप होता है वो टेक प्लेस ड्यू टू द लिविंग सेल्स। और जाइलम में आप जानते हैं लिविंग सेल्स क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रे सेल मात्र ही कंपोनेंट है जो क्या है लिविंग, चाहे वो जाइलम रे सेल नॉन लिविंग है ऑलरेडी आप जानते हैं। ठीक है, तो जाइलम फाइबर ये भी क्या है, नॉन लिविंग है। तो जो जाइलम पैरेन्काइमा है इनका मानना है कि जो इसके लिए जिम्मेदार है ओनली इट इज द लिविंग सेल। फिर इस थ्योरी की बहुत सी बाद में आलोचना हुई, क्यों हुई कि अगर किसी प्लांट को देखा गया उसको किल कर दिया जाए बाय द पिकरी के जो भी किसी कंपोनेंट के द्वारा, किल कर देने के बाद भी देखा गया कि प्लांट में अनवरत एसेंट ऑफ सैप यानी प्लांट की रूट क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है और ट्रांसपीरेशन होता रह रहा है, तब तो फिर ये थ्योरी क्या है, अगर लिविंग के द्वारा होता है तो होना नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, इसकी वजह से दिस थ्योरी आर डिस्कार्डेड। दूसरा था फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी क्या है भाई? इसके लिए इन्होंने कई थ्योरी दी है, तो रूट प्रेशर थ्योरी ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि रूट प्रेशर कैसे डेवलप करता है, रूट प्रेशर कैसे डेवलप करता है, ट्रांसपीरेशन पुल के द्वारा रूट पे एक प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से क्या होता है कंटीन्यूअसली एसेट ऑफ सैप होता है। दूसरा है इम्बाइबेशनल फोर्स थ्योरी। इम्बाइबेशन क्या है भाई? इम्बाइबेशन हर किसी भी मॉलिक्यूल की क्या होती है, अपने चारों तरफ वाटर की लेयर बनाने के लिए उसको चिपका लेता है। मतलब कोई भी जैसे आप आटा गूंथते हो तो उसे पानी डालते हो तो क्या करता है, एक होता है एब्जॉर्ब कर लेना अंदर सोख लेना, एक होता है एडजॉर्ब करना अपने चारों तरफ लेयर बना लेना। दैट जो सेलवाल होती है उस क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है पानी को एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब करता है, अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है। दिस थ्योरी जिसकी वजह से वो एडजॉर्ब करता है दैट इज कॉल्ड द इम्बाइबेशन। इसी को क्या कहते हैं इम्बाइबेशन। तो ऐसा इन्होंने इनका मानना था कि जो एसेंट ऑफ सैप हो रहा है ड्यू टू द इम्बाइबेशनल फोर्स, यानी जो जाइलम की वेसल्स हैं, जो जाइलम की सेल्स हैं उनके वाल क्या है, सेल वाल जो कार्बोहाइड्रेट की बनी है वो क्या करती है वाटर को अपने सतह पे एडजॉर्ब कर लेती है, इतना फोर्सली एडजॉर्ब की रहती है ताकि वो क्या होता है वो पानी की जो वेसल्स के में जो कंटिन्यूअस लेन बनी हुई है वो ब्रेक नहीं हो पाती हो, क्यों ड्यू टू द इम्बाइबेशनल फोर्स। फिर है कैपिलरी राइज, क्योंकि इतनी ट्राइकिड्स या वेसल्स की जो थिकनेस है ल्यूमेन की जो साइज है इतनी पतली है कि उसमें क्या होता है पानी आराम से कैपिलरी फोर्स के द्वारा क्या होता है उसको कैपिलरी फोर्स, फिजिक्स पढ़े होंगे इंटर में तो आपको मालूम होगा उसके द्वारा क्या होता है कंटिन्यूअसली पानी क्या होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे देखो अगर वो ल्यूमेन बहुत चौड़ा होगा तो पानी इसे इतनी लेवल तक चढ़ेगा, अगर थोड़ा सा और पतला है इतने लेवल तक और पतला है तो हाई लेवल, तो चूंकि इसकी वेसल्स की जो थिकनेस होती है जो डायमीटर होता है इतना छोटा होता है कम होता है जिसकी वजह से क्या होता है आराम से ये जो है कैपिलरी एक्शन के द्वारा भी पानी क्या हो सकता है मूव कर सकता है। ये जो जितनी तीन थ्योरी दी गई चाहे वो रूट प्रेशर हो चाहे इम्बाइबेशनल फोर्स हो या कैपिलरी फोर्स हो,
तीनों क्या है, फिजिकल फोर्स ही हो रही है। ये भी एक बड़े प्लांट, छोटे प्लांट तक तो समझ में आ गया भैया, चलो 1-2 मीटर लंबा प्लांट है, हाइट का प्लांट है तो उसमें ठीक है, इसके द्वारा हो सकता है। बट एक बहुत बड़ा प्लांट है जैसे सिक्वोया सेम्फायरेंस है, कितने मीटर हाइट का है, उस तक कैसे पहुंच सकता है, इस फोर्स से पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये भी थ्योरी क्या हो गई, अल्टीमेटली डिस्कार्ड कर दी गई। जैसे देखिए यहाँ कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा प्लांट में पानी चढ़ रहा है। देन अंत में आया जो आपको अभी सबसे पहले हमने पढ़ा दिया, दैट इज द कोहेसन टेंशन थ्योरी, जिसको डिक्सन एंड जोली ने दिया था। यही मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इन्होंने कहा कि भैया इसके लिए जो है ट्रांसपिरेशन पूल जनरेट होता है, और जिसकी वजह से एक निगेटिव प्रेशर होता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली पानी क्या होता है, मूव करता रहता है वैक्यूम पंप में, और इसके द्वारा लगभग 34 फीट हाइट तक क्या हो सकता है, इतना प्रेशर जनरेट होता है कि पानी चढ़ सकता है। लेकिन ये भी थ्योरी अल्टीमेटली क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि सिकोया सेम्फायरेंस जो विश्व का सबसे लंबा प्लांट है वो कितने फीट का है, 370 फीट हाइट है, और 370 फीट हाइट के लिए कितनी फोर्स चाहिए उतनी ऊपर तक पानी चढ़ाने के लिए, जो लगभग 270 पाउंड की फोर्स जनरेट चाहिए, जो इस थ्योरी के द्वारा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहां तो होता है। तो इसको जो है कोहेसन एंड टेंशन थ्योरी के द्वारा समझाया गया भी है। कोहेसन एंड टेंशन थ्योरी के लगभग टेंस कोहेसन और टेंशन फोर्स के द्वारा लगभग प्लांट में कितनी फोर्स जनरेट होती है, 3000 पाउंड पर इंच स्क्वायर इंच, और होना कितना चाहिए, रिक्वायर्ड 270, यानी ए फोर्स के द्वारा ये पॉसिबल है। और ये थ्योरी क्या हो गई, अल्टीमेटली पास हो गई, और कहा गया आज की डेट में ही माना जाता है एसेंट ऑफ शेप शेप इट टेक प्लेस बाय द कोएसन टेंशन थ्योरी, और एक चाहे जितना भी बड़ा प्लांट हो उससे पॉसिबल हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसेंट ऑफ शेप। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एसेंट ऑफ शेप कब होगा, जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो